पिछले के कुछ वीडियो में हमने लॉगिन देखा, रजिस्ट्रेशन देखा और हमने ड्राइंग अप्रूवल फॉर्म भी सबमिट किया, साथ से साथ उसका बिल पेमेंट भी हमने किया, ठीक है। और नेक्स्ट होता है कि कुछ टैब्स और हैं जिसके बारे में जानना जरूरी है। बिल पेमेंट हो गया हमारा, जो भी लोड डिटेल्स था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट है एनुअल बिल पेमेंट, ठीक है, इसके बारे में बाद में जानेंगे। उसके बाद आता है इंस्पेक्शन बिल। तो इंस्पेक्शन बिल क्या है कि जैसे आप ड्राइंग फॉर्म जिसमें गए थे बिल पेमेंट वाले सेक्शन में, ठीक है, तो वहाँ पे आपसे दो पेमेंट मांगा जा रहा था। पहला क्या है, आरक्षण स्वीकृति राशि, ठीक है, और निरीक्षण स्वीकृति राशि था, ठीक है। आप सिर्फ अपना ड्राइंग अप्रूव करवाना चाहते हैं तो आपको पहला वाला जो पेमेंट बटन था, ठीक है, उस पर क्लिक करके उसकी राशि सिर्फ पेमेंट कर देनी है, ठीक है। लेकिन अगर आपको कंप्लीट इंस्पेक्शन भी करवाना है, ड्राइंग भी अप्रूव करवाना है, तो टोटल अमाउंट आपको पे करना था। इन केस अगर आप सिर्फ ड्राइंग अप्रूव करवाते हैं, ठीक है, ड्राइंग का पैसा देते हैं और उसका पेमेंट करते हैं, ठीक है, तो जब आप फिर से आपको इंस्पेक्शन करवाना होगा अपने कार के लिए, ठीक है, तो आपको फिर कहाँ पे पेमेंट करना होगा, इंस्पेक्शन बिल पे। यहाँ पे आपका बिल आ जाएगा टोटल, ठीक है, वहाँ पे जाके क्लिक करके आपको पेमेंट कर देना है। तो देखिए हमने पेमेंट कर चुका है, तो यहाँ पे आपका आ रहा स्टेटस कि पेमेंट सक्सेस हो चुका है, क्योंकि हमने जिसमें ड्राइंग अप्लाई का फॉर्म का बिल सबमिट कर रहे थे उसी समय हमने इंस्पेक्शन का भी पेमेंट कर चुके थे। तो अभी यहाँ पे इसका मैसेज सक्सेस है, ठीक है। जो डिपार्टमेंट के द्वारा ड्राइंग था, जो अप्रूव ड्राइंग था, वो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं व्यू वाले बटन पे क्लिक करके। उसके बाद आता है एप्लीकेशन का स्टेटस। एप्लीकेशन का स्टेटस तो आपको पिछले बार भी मैं हमने बताया था कि स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे आपका ड्राइंग अप्रूव हो रहा है, वो सारा कुछ यहाँ पे अटैचमेंट पे, यहाँ पे आप अपना ड्राइंग देख सकते हैं। अगर आपका ड्राइंग का फॉर्म का प्रीव्यू देखना है तो इस पे इस वाले टैब पे क्लिक करना, ड्राइंग फॉर्म प्रीव्यू वाले टैब पे, यहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स आ जाएगा। आपका इंस्पेक्शन फॉर्म प्रीव्यू देखना है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, आपको टोटल इंस्पेक्शन फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा आपको।